हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाइटरूम का जो न्यू अपडेट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड आप लोग जो है कैसे DNG फाइल क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन घंटी को जरूर दबाना ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन को मिलता रहे। सो गाइस, फर्स्ट तो आप लोग को जो है लाइटरूम को इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। एंड दोस्तों, अभी जो है हम लोग को कोई भी फ़ोटो ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों, अभी जो है फ़ोटो को ओपन करने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा आप लोग को जो है थोड़ा सा इसमें जो है कलर करेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद अभी जो है आप लोग कैसे DNG पिक को सेव कर सकते हो। दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो शेयर वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, ये जो एक्सपर्ट है इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, तो अभी जो है देख ही सकते हो दोस्तों, इसमें जो DNG का ऑप्शन है आ गया है। दोस्तों, पहले जो नहीं था, अपडेट करने के बाद ये जो ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर से जो है इसको अपडेट कराना। तो दोस्तों, पहले जो JPG रहेगा तो आप लोग को जो है DNG में रख देना है। एंड दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, दोस्तों अभी जो है हम लोग को इस जो सेव वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, अभी जो है आप लोग को सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जो है इसमें जो टेक्स्ट कैसे लगा सकते हो वो मैं बताता हूँ। पिक्स पहले जो है पिक्स आपको ओपन करना है। तो दोस्तों आप लोग को जो है ओरिजिनल फोटो को ओपन करना है। एंड दोस्तों, इसमें हम लोग को भी टेक्स्ट लगा देना है। तो अभी जो है हम लोग को इसमें ड्रॉ टूल पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, इस टूल पर क्लिक करके हम लोग को जो है थोड़ा सा एक दोस्तों इस तरीके से जो हम लोग को लगा देना है। एंड दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, इस सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हम लोग को टेक्स्ट को लिख देना है। तो दोस्तों, टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड इसको जो है हम लोग को लिख देते हैं। ब्लू मूडी प्रीसेट दोस्तों, इस तरीके से लिख देने के बाद आप लोग को जो ऐसे टेक्स्ट को ऐसे लगा देना है। एंड दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, इस जो सेव वाला ऑप्शन में सेव कराना है। एंड दोस्तों, इसको हम लोग फिर से लाइटरूम पर ओपन कर लेना है। इसको ड्रॉ टूल पर जाना है एंड इधर से हम लोग को सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, तो अभी हम लोग को लाइटरूम पर इसको ओपन करना है। दोस्तों, इस तरीके से जो लाइटरूम पर हम लोग को पिक को ओपन करने के बाद अभी जो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो प्रीसेट है इसको ओपन कर लेना है जो मैंने एडिट करके रखा था। तो इसको जो है 3 डॉट पर क्लिक करके हम लोग को इधर जो है कॉपी सेटिंग है दोस्तों, इसको पर क्लिक कर देना है। एंड इधर से हम लोग को ऐसे क्लिक करके इधर से हम लोग को इस जो इस वाले ऑप्शन इस पर इस पिक पर आ जाना है। एंड दोस्तों, इधर से हम लोग को इधर से पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों दोस्तों अभी हम लोग को देख ही सकते हो दोस्तों, इस पे सब कुछ हो गया है। तो दोस्तों, अभी हम लोग को इधर से जाकर हम लोग को एक्सपोर्ट पर क्लिक करके DNG में सेव कर देना है। दोस्तों, दोस्तों अभी देख ही सकते हो ये जो इमेज है, तो इधर से हम लोग को चेक कर लेते हैं सेव हुआ क्या नहीं। दोस्तों इधर देख ही सकते हो DNG में सेव हो गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।